हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग अभी प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्रोटोप्लास्ट कल्चर में मैंने आप लोगों को कल जो है मीडिया के न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में क्या क्या फीचर्स रहने चाहिए उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और साथ ही साथ जो है जिसको बहुत अच्छे से पूजा ने एक्सप्लेन भी किया, और ऑस्मोटिकम के बारे में वैशाली ने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफ में। तो मैं आप लोगों को आज जो है ऑस्मोटिकम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताऊंगी कि क्यों जो है इसको मेंटेन करना जरूरी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है ऑस्मोटिकम। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रही हूँ। तो ऑस्मोटिकम क्या है? तो ऑस्मोटिकम जो है या तो एक रिएजेंट के रूप में होता है या फिर एक केमिकल के रूप में होते हैं। ठीक है, रिएजेंट या फिर केमिकल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब रिएजेंट या केमिकल के रूप में ये जो ऑस्मोटिकम होते हैं इनको हमें डालना रहता है हमारे मीडिया में। हमारे मीडिया का जब प्रिपरेशन करते रहते हैं तब लिक्विड में हम लोगों को इस ऑस्मोटिकम को डालना रहता है। उसमें क्यों डालते हैं? ताकि आपका जब मीडिया तैयार हो तो मीडिया का जो है मीडिया में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो। जो परासरण दाब है, परासरण दाब मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ा होना चाहिए। इसीलिए जो है आप लोगों जो है हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑस्मोटिकम यूज करते हैं। और ऑस्मोटिकम जो है या तो रिएजेंट के फॉर्म में होगा या तो फिर केमिकल के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये जो रिएजेंट के फॉर्म में या फिर केमिकल के फॉर्म में जो ये ऑस्मोटिकम पाए जाते हैं ये हम डाल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने। लेकिन क्यों डाल रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को? क्यों? क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा एक्सटर्नल। हाँ ठीक है, आपने डाले ऑस्मोटिकम लेकिन क्यों डाल रहे हैं? तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लास्ट के बारे में। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जिसके इर्द गिर्द अराउंड जो है सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है सेल वॉल नहीं है तो उसका एक जो प्रोटेक्शन का जो लेयर है, जो सुरक्षा का आवरण प्रदान कर रहा है वो जो है जा चुका है। हमारे पास अब सिर्फ जो है ऊपरी हिस्से में सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो है प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन जो है दो हम लोग को प्रदान करे हमारे प्लांट सेल के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब कभी भी हम लोग जब कल्चर करते हैं आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को, जिसके इर्द गिर्द से हमने हमें उसके अराउंड से हमने क्या निकाल लिया? सेल वॉल निकाल लिया, हमारा प्रोटोप्लास्ट रेडी है। जब भी हम उसको कल्चर करना चाहते हैं, कल्चर करने वाले होते हैं, तो फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को जो हम डायरेक्टली अगर कल्चर मीडियम में डाल दें, आपने पेट्री प्लेट लिया, पेट्री प्लेट में आपने मीडिया बनाया, मीडिया बना के आपने डाल दिया और इसमें डायरेक्ट डाल दिया आपने फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को, जिसका सेल वॉल को आपने रिमूव कर दिया है, आपने उस प्रोटोप्लास्ट को डाल दिया, तो क्या होगा पता है? ये प्रोटोप्लास्ट उसी टाइम बर्स्ट हो जाएगा, एकदम नष्ट, पूरा फुट, एकदम बम बर्स्ट, कुछ भी नहीं बचेगा प्रोटोप्लास्ट का। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि आपने फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को एकदम से किसमें डाल दिया? कल्चर मीडियम में। ठीक है, कल्चर मीडियम में डालने से अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो परासरण तो करेगा ही करेगा। अब परासरण करेगा तो परासरण कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरा जो है इसका जो कंटेंट है वो अंदर जाके इसको पूरा बस्ट कर देगा। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट में जैसे हम डायरेक्टली हमारे कल्चर मीडियम में अगर हम डाल दें हमारे प्रोटोप्लास्ट को तो वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो अगर बस्ट हो गया तो हमारा सेंस ही क्या बनता है? फिर हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं, प्रोटोप्लास्ट का कल्चर तो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्रोटोप्लास्ट तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑस्मोटिकम को डालते हैं ताकि आइसोलेशन भी अच्छे से हो जाए प्रोटोप्लास्ट का, मतलब सेल वॉल को हम आसानी से निकाल भी सके, और उसके पश्चात जब हम कल्चर करना चाहते हैं प्रोटोप्लास्ट का वो भी हम अच्छे से कर सके। इसलिए हम ऑस्मोटिकम डालते हैं ताकि ऑस्मोटिकम को ऐड करने के बाद आपका परासरणीय दाब या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो। ठीक है,
ताकि हम प्रोटोप्लास्ट को रप्चर होने से, नष्ट होने से बचा सके। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ऑस्मोटिकम क्यों डालते हैं, ऑस्मोटिकम नहीं डालेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये जो ऑस्मोटिकम है ये कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के ऑस्मोटिकम यूज किए जाते हैं ये देखते हैं। तो अगर ऑस्मोटिकम की बात की जाए तो दो प्रकार के जो है ऑस्मोटिका, या फिर इसको ऑस्मोटिकम को ऑस्मोटिका भी बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जो ऑस्मोटिका है वो यूज किए जाते हैं। तो पहला होता है आप लोगों का ऑस्मोटिका जो है वो है नॉन आयनिक, और दूसरा होता है आयनिक। नॉन आयनिक और दूसरा आयनिक। ठीक, अभी जो नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक का क्या है कॉन्सेप्ट उसको देखते हैं। अगर आपके पास नॉन आयनिक ऑस्मोटिका है तो वो किस प्रकार के रहते हैं, क्या क्या हो सकते हैं नॉन आयनिक अगर ऑस्मोटिका रहेंगे तो नॉन आयनिक ऑस्मोटिका में यूजुअली जो है सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया जाता है। सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स इनको यूज किया जाता है नॉन आयनिक ऑस्मोटिका के रूप में, जिसमें आपका आ जाता है मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, सुक्रोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी आपके आते हैं नॉन आयनिक ऑस्मोटिका के अंतर्गत। इन सभी चीजों को हम यूज कर सकते हैं हम लोग नॉन आयनिक ऑस्मोटिका के रूप में, जब हम लोगों को प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए या आइसोलेशन करने के लिए मीडिया की आवश्यकता होती है, तब हम इनको डाल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से सबसे अच्छा जो है कौन सा है अगर बोला जाए तो जो मैनिटॉल होता है, मैनिटॉल जो होता है ये माना गया है साइंटिस्ट लोगों का कि मैनिटॉल सबसे प्रिफर्ड है। क्यों प्रिफर्ड है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, क्योंकि ये क्या होता है मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है, माना जाता है मेटाबॉलिकली बहुत स्ट्रांग होता है और इनर्ट होता है, इस वजह से मैनिटॉल को प्रिफर किया जाता है आप लोगों के मीडिया बनाने में ऑस्मोटिका के रूप में। ठीक है, प्रिफर किया जाता है। तो ये नॉन आयनिक वाला हुआ। अब अगर आयनिक वाला है तो आयनिक वाले में कौन कौन से आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। आयनिक ऑस्मोटिका, आयनिक ऑस्मोटिका में आपके आएंगे पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फास्फेट। आई होप आप सभी लिख रहे होंगे इंपॉर्टेंट नोट्स को। पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम फास्फेट, ये इतनी चीजें हैं जो रहती हैं। कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फास्फेट, ये आयनिक ऑस्मोटिका के अंतर्गत आते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे मीडिया का। ठीक है, तो ये हम लोग तीन चीजें हो गई जो आयनिक ऑस्मोटिका के अंतर्गत आती है। व्हेन द प्रोटोप्लास्ट आर ट्रांसफर टू अ कल्चर मीडियम द यूज ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर अलॉन्ग विथ मेटाबॉलिकली इनर्ट ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर इज एडवांटेजियस। अगर कभी भी अगर सजेस्टेड बोला जाए कि सजेस्टेड क्या है सबसे ज्यादा, तो अगर जब हम मीडिया बनाते रहते हैं हमारे प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए तो उस समय क्या किया जाता है कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑस्मोटिकम होते हैं, जैसे कि ये ग्लूकोज हो गया और सुक्रोज हो गया, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेबलाइजर के जैसे काम करते हैं। कौन? आपका सुक्रोज है और आपका ग्लूकोज है, ये दो चीज।
और अगर मेटाबॉलिकली इनर्ट की बात की जाए तो उसमें आपका मैनिटोल आता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके यूज करना ज्यादा प्रिफर किया जाता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है दोनों को अगर मिक्स करके अगर हम लोग ऑस्मोटिकम के रूप में यूज करें तो। एज द ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड सेल विल जनरेशन रीजनरेशन अकर द मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर यूटिलाइज्ड एंड दिस रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर सो दैट प्रॉपर ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन। जैसे जैसे आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है बढ़ता जाएगा और प्रोटोप्लास्ट जो है अच्छा ग्रो करते जाएगा, वैसे वैसे जो आपने सुक्रोज या मैनिटोल जो डाला है वो धीरे धीरे खपता जाएगा, और खपेगा तो क्या होगा, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ा हुआ था, इनको डाले आप तो बढ़ाने के लिए डाले थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी खपत होती जाएगी तो क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया, खत्म होना चालू हो गया इनका असर अब, क्योंकि वो यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो वो भी जरूरी है ऑस्मोटिक प्रेशर को कम होना एक टाइम के बाद, ताकि मेंटेन हो सके, ना ज्यादा कम रहे ना तो ज्यादा ज्यादा रहे, ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम। ऑस्मोटिक प्रेशर ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। तो पहले ज्यादा हमने बढ़ाया था ताकि कोई आपके प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि उस टाइम एकदम फ्रेशली आइसोलेटेड था, ताकि वो बस्ट ना हो, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनकी खपत हो गई मैनिटोल सुक्रोज की जो ऑस्मोटिकम हमने डाले थे, तो अब धीरे धीरे खपत होने के बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, और वो डिक्रीज होना भी आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेंटेन रखने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, परासरण को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी भी है इनका कम होना। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देखा ऑस्मोटिकम और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ये कितनी छोटी छोटी चीजें जो है कितना इंपॉर्टेंस रखता है, सोचो कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर जिन लोगों के लिए रेगुलर का काम होगा, जो प्लांट ब्रीडर्स होंगे, जो बड़े बड़ी नर्सरीज में या फिर बड़े बड़े प्लांट रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे वहां पर जब ये काम होता होगा, तो कितनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होता होगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मीडिया बनाते हैं यहाँ पर कॉलेज में और नॉर्मली प्रैक्टिकल्स करते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज, माइनर माइनर माइन्यूट चीजों को इतना ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको अपना जो प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, उसको सक्सेसफुल देखना है, तो रिजल्ट अच्छा लाने के लिए। तो और छोटे सी चीज है ऑस्मोटिकम डालना कि हाँ थोड़ा सा ग्लूकोज या फिर सॉर्बिटॉल या फिर मैनिटॉल डाल दो, लेकिन सोचो अगर मिस हो गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज हुई ऑस्मेटिकम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कल्चर मेथड्स, अगर हम लोगों को कल्चर करना है प्रोटोप्लास्ट का तो कौन कौन से मेथड से हम कल्चर कर सकते हैं उसको देखते हैं। कल्चर मेथड, द कल्चर टेक्निक्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट आर ऑलमोस्ट द सेम दैट आर यूज्ड फॉर सेल कल्चर विद सुटेबल मॉडिफिकेशन। जिस प्रकार प्लांट टिश्यू कल्चर में, ऑर्गेनोजेनेसिस में, जिस प्रकार से हम लोग मीडिया बनाकर उसे अपने बॉटल ट्यूब में या फिर टेस्ट ट्यूब में डालकर जब इनोकुलेट करते थे कल्चर करने के लिए, सेम वही प्रोसीजर प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए भी होता है, लेकिन थोड़े चेंजेस रहते हैं। जैसे कि मीडिया में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसी प्रकार कल्चर मीडिया मेथड में भी आपका सूटेबल मॉडिफिकेशन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या क्या तरीके होते हैं कल्चर मेथड के? तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका फीडर लेयर टेक्निक। आप लोग जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे ना, पोर प्लेट टेक्निक, स्ट्रिक प्लेट टेक्निक, जिगजैग टेक्निक, स्लांट बनाने का टेक्निक जिसमें अलग अलग स्ट्रिकिंग होती है, तो उस प्रकार से कल्चर मेथड का एक मेथड है इसमें फीडर लेयर टेक्निक।
फीडर ले टेक्निक क्या होती है देखते हैं। फॉर कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट एट लो डेंसिटी फीडर लेयर टेक्निक इज प्रिफर्ड। दिस मेथड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेंट और हाइब्रिड सेल्स और प्लेट्स। द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिंग प्रोटोप्लास्ट सेल सस्पेंशन टू एक्सरे टू इनहिबिट सेल डिविजन एंड विद गुड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड देन प्लेटिंग देम ऑन अगार प्लेट। तो अगर आपको लोअर डेंसिटी का मतलब कम घनत्व में बहुत कम डेंसिटी का बहुत कम मात्रा में अगर आपको प्रोटोप्लास्ट कल्चर करना है तो लो डेंसिटी के लिए आप लोगों का फीडर लेयर टेक्निक जो है बहुत अच्छा होता है। फीडर लेयर टेक्निक करने के लिए आप लोगों को पहले तो अगार का अगार वाला जो है अगार स्लांट या फिर अगार प्लेट्स बनाने होंगे। जैसे आप लोग एमएस मीडिया बनाते हैं लिक्विड नहीं सॉलिड मीडिया बनाना है मतलब अगार डालना होगा आप लोग वो बनाएंगे। जैसे कि मीडिया में ऑस्मोटिकम डालने का चीज अमोनियम कितना डलेगा अमोनियम को माइनस करना होता है और कैल्शियम की क्वांटिटी को बढ़ाना रहता है। इन सब चीजों के साथ आप एक अगार का प्लेट बनाएंगे अगार मीडिया बनाएंगे। उसके बाद जो है ये मेथड जो है सबसे ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बोलते हैं अगर आपके पास हाइब्रिड प्लांट्स का आपके पास प्रोटोप्लास्ट है तो उसके लिए फीडर लेयर टेक्निक को यूज किया जाता है। हाइब्रिड प्लांट कौन सा होता है जो आप लोगों ने नर्सरी में देखा होगा ना हाइब्रिड प्लांट बनाया जाता है दो प्लांट्स के स्पीशीज को मिलाकर जो हाइब्रिड बनाया जाता है। आजकल आप लोग हाइब्रिड जाम खाए होंगे हाइब्रिड वाले फल भी आते हैं तो हाइब्रिड वाले प्लांट का अगर आपके पास प्रोटोप्लास्ट है तो उसका कल्चर करने के लिए फीडर लेयर टेक्निक को ज्यादा प्रिफर किया जाता है उसके लिए अच्छा है बोलते हैं। इस प्रोटोप्लास्ट कल्चर को अगर करना है हमको फीडर लेयर टेक्निक से तो इसमें एक प्रोसीजर है कि इसमें सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट के सेल सस्पेंशन को मतलब प्रोटोप्लास्ट को लिक्विड मीडिया में डालकर सस्पेंशन में डालकर पहले हम लोग एक्सरे में एक्सपोज करते हैं मतलब एक्सरे लाइट में हम लोग इसको रखेंगे प्रोटोप्लास्ट सेल सस्पेंशन को हम रखेंगे। हम प्रोटोप्लास्ट को लेकर हम क्या करेंगे पहले एक्सरे में एक्सपोज करेंगे उसे। तो एक्सरे में एक्सपोज करने का रीजन क्या है एक्सरे में एक्सपोज करने से क्या होगा टू इनहिबिट सेल डिवीजन विद गुड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ताकि जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डिवीजन हो रहा है जो एक्स्ट्रा सेल डिवीजन हो रहे हैं वो रुक सके और अच्छी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके आपके प्रोटोप्लास्ट में। इसके लिए हम एक्सरे में एक्सपोज करते हैं उसके बाद जो है उसे हम क्या करते हैं एक्सरे में एक्सपोज करने के बाद हमने जो अगार की प्लेट बनाई हुई है जो हमने मीडिया बनाया है प्रेटरी प्लेट में उसे हम अपने प्रोटोप्लास्ट को इनोकुलेट कर देते हैं। ठीक है तो ये हमारा प्रोसीजर होता है फीडर लेयर टेक्निक में। नेक्स्ट आता है उसके बाद सेकेंड मेथड जो है को कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज स्लो ग्रोइंग एंड अनदर फास्ट ग्रोइंग कैन बी को कल्चर्ड। यहाँ पर जो को कल्चर वाला होता है वो थोड़ा सा और डिफरेंट है इसमें उसे देखते हैं। को कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट ये को कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है आप यहाँ पर भी अपना मीडिया प्रिपेयर करके अपने पेट्री प्लेट में डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे दो प्लांट्स का एक जो प्लांट है इसका आपने प्रोटोप्लास्ट अलग कर लिया ये जो प्लांट है कैसे वाला प्लांट है जो बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है मतलब स्लो ग्रोइंग वाला प्लांट है जो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है और दूसरा जो आपका पौधा है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है फास्ट ग्रोइंग प्लांट तो इसका हमने प्रोटोप्लास्ट अलग कर लिया अब इसका भी हम प्रोटोप्लास्ट अलग कर लेंगे। तो हमारे पास दो विभिन्न प्रजातियों के प्लांट के हमारे पास क्या आ गए प्रोटोप्लास्ट जो है आ गए। दो ऐसे ऐसे प्लांट क्या है एक जो है बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है उस प्लांट का है प्रोटोप्लास्ट और एक जो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो कर रहा है उसका प्रोटोप्लास्ट है। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हम लेंगे और दोनों के प्रोटोप्लास्ट को लेकर साथ में जब हम कल्चर करेंगे तो वो हमारा कहलाता है को कल्चर। तो हमने हमने क्या किया दो प्रोटोप्लास्ट अलग अलग दो विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट लिए और ऐसे लिए हैं
एक जो है बहुत स्लो ग्रोइंग वाला है और एक बहुत फास्ट ग्रोइंग वाला है। दिस टाइप ऑफ कल्चर इज एडवांटेजेस सिंस द ग्रोइंग स्पीशीज प्रोवाइड द ग्रोथ फैक्टर एंड अदर केमिकल विच हेल्प्स इन द रीजेनरेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल डिवीजन। इससे फायदा क्या होता है कि हम दोनों को जब साथ में करते हैं तो जो स्लो ग्रो करने वाला रहता है वो क्या करता है, इससे कुछ गुण ले लेता है फास्ट ग्रो करने वाले से। फास्ट ग्रो करने वाले से कुछ गुणों को वो अडेप्ट कर लेता है, ग्रोथ फैक्टर्स ले लेते हैं और फिर वो भी अच्छे से ग्रो करना चालू कर देता है, जिससे सेल वॉल का अच्छा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और सेल वॉल का अच्छा डेवलपमेंट होगा तो फिर ये हम बाद में जब इसी को ही कल्चर, ये कल्चर हम कर रहे हैं, बाद में यही बढ़ बढ़ के क्या होगा, पूरा होल प्लांट में ग्रो करेगा, रीजनरेशन अच्छे से होगा इसका। तो इसके लिए हम लोग ये को कल्चर करते हैं ताकि दूसरा वाला भी उसके दूसरे वाले के ग्रोथ फैक्टर्स को यूज करके अच्छे से ग्रो कर सके। द को कल्चर मेथड इज जनरली यूज इफ द टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट आर मार्फोजेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ऐसा बोला जाता है कि जो को कल्चर है वो इसलिए यूज किया जाता है अगर दो अलग अलग स्पीशीज के जो प्रोटोप्लास्ट है मार्फोलॉजिकली अगर डिस्टिंक्ट है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब अलग अलग प्रजाति के हैं जो जिनका शेप ही एकदम अलग है। जरूरी नहीं है कि दोनों बबूल के पेड़ हो, मान लीजिए एक बनाना का पेड़ है और एक बबूल का है, दोनों एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को यूज करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए को कल्चर करवाया जाता है, ये वाला मेथड यूज किया जाता है। ये एक दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड है माइक्रो ड्रॉप कल्चर। ये दूसरा मेथड था, तीसरा मेथड है माइक्रो ड्रॉप कल्चर। तीन मेथड है आप लोगों के, ये तीसरा लास्ट मेथड है। माइक्रो ड्रॉप कल्चर है स्पेशली डिजाइंड डिशेस नेम कपरेक डिशेस विथ आउटर एंड इनर चैम्बर्स। इसमें जो है इसको करना इतना इजी नहीं है, वो इसलिए इजी नहीं है क्योंकि माइक्रो ड्रॉप कल्चर अगर हम करेंगे यूज तो इसके लिए जैसे पेट्री प्लेट आप लोग यूज करते हैं ना, पेट्री डिश या फिर पेट्री प्लेट यूज करते हैं ना आप लोग नॉर्मल कल्चर करने के लिए, लेकिन इसमें वो पेट्री प्लेट यूज नहीं होती है, इसमें अलग सा डिश होता है, उसमें कपरेक डिश बोलते हैं। ये एक ग्लासवेयर है ना, एक कांच का बर्तन है जैसे पेट्री प्लेट होता है, इसमें कपरेक डिशेस यूज होते हैं। किसमें? आपके माइक्रो ड्रॉप कल्चर में। अब ये जो कपरेक डिशेस है इसका ना आउटर और इनर चैम्बर जो है दो अलग अलग चैम्बर्स रहेंगे कुछ इस प्रकार का। जैसे अगर ये आउटर चैम्बर है तो ये आपका इनर चैम्बर रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से जो है इसका डिजाइनिंग रहता है आपके कपरेक डिशेस का। मैं इसका डायग्राम आप लोग को सेंड करूंगी तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे इसे, इसमें लाइन लाइंस बनी होती हैं। तो ये कपरेक डिशेस जो है इसमें आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर यूज होता है जिसे माइक्रो ड्रॉप कल्चर के लिए यूज किया जाता है। द इनर चैम्बर कैरीज सेवरल वॉल्स। जो इनर चैम्बर रहता है, जो अंदर वाला चैम्बर रहता है, उसमें बहुत सारी छोटी 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 दीवारें होती हैं, वॉल्स रहते हैं, ठीक है। इनर चैम्बर में बहुत सारे वॉल्स रहते हैं वेर इन इन द इंडिविजुअल प्रोटोप्लास्ट इज ड्रॉपलेट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम कैन बी एडेड। तो मतलब जो इनर वाला वॉल है अगर उसमें ऐसे बहुत सारे अगर वॉल्स लगे हुए हैं जिनमें हम क्या करते हैं बूंद बूंद करके अपने प्रोटोप्लास्ट को डालते जाते हैं। यहाँ हमने अपने बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज मीडियम के साथ जो है ड्रॉप वाइज हम अपने प्रोटोप्लास्ट को हम डालते जाते हैं इसमें। अब फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोटोप्लास्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम कैन बी एडेड। द आउटर चैम्बर इज फिल्ड विथ वाटर टू मेंटेन ह्यूमिडिटी। और उसके बाद जो आउटर चैम्बर होता है उसमें भी ऐसी दीवारें लगी होती है, इसको पूरा वाटर से भरा जाता है, पानी इसमें जो है पानी से भरा जाता है इसको, ताकि जो ह्यूमिडिटी है ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन हो सके, ना ज्यादा गर्म रहे ना ज्यादा ठंडा रहे, ठीक ठाक रहे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए बाहरी चैम्बर को हम पानी से भरते हैं। दिस मेथड अलाउज द कल्चर ऑफ फेवर प्रोटोप्लास्ट फॉर ड्रॉपलेट ऑफ द। अब ये जो मेथड है
कुछ ही प्रोटोप्लास्ट, स्पेशल टाइप के प्रोटोप्लास्ट के लिए ही यूज किया जाता है ये मेथड। हर टाइप के प्रोटोप्लास्ट के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर भी है और इसके लिए अलग से कपरेक डिशेस की आवश्यकता होती है। तो लेकिन ये एक मेथड है जो आप लोगों के प्रोटोप्लास्ट कल्चर में है, इसलिए आप लोगों को बताना रहेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया माइक्रो रॉक कल्चर क्या होते हैं। इसका मैं डायग्राम आप लोगों को सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग और अच्छे से इसे समझ पाए। तो यहाँ पर आप लोगों का जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन पढ़ लिया कि किस किस तरीके से हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं, और हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी पढ़ लिया कि किस किस तरीके से और क्या क्या करके, क्या मीडिया यूज करके किस तरीके से हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर यूज कर सकते हैं। अब जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। ठीक है कि अब लोग हम लोगों को अगर दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को मिलाना है, दो अलग अलग हमने एक अलग प्रजाति का प्लांट का प्रोटोप्लास्ट, एक अलग प्रजाति का प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लेकर दोनों को हम क्रॉस करवा के फ्यूजन करवा रहे हैं। फ्यूजन कराना मतलब दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप कैसे क्या रिजल्ट प्राप्त होता है और कैसे फ्यूजन कराया जाता है, क्यों फ्यूजन करवाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है नेक्स्ट जो रहेगा आप लोग का प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इसमें कुछ नए नए चीजों के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन अच्छा है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले तो फिर आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल कल जो है मैं आप लोगों को प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पढ़ाऊंगी। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। सबको क्लियर है बेटा सब चीजें? कोई डाउट है क्या किसी को तो पूछ लीजिए। मैम, इसे पानी का वर्क क्या बताए थे? थोड़ा ये पानी सा इसलिए डाला जाता है ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए बाहरी जो आउटर चैम्बर होता है उसके वॉल्स में पानी को डाला जाता है, पानी को फिल किया जाता है ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके, इसलिए। और कुछ? किसी को और कुछ पूछना है बच्चे लोग? नो हाँ नमन। मैम, कोई डाउट नहीं ठीक है, चलो फिर यहीं पर खत्म करते हैं क्लास।